नमस्कार दोस्तों, आज हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्लास 10th मैथ की क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.1 का, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 है। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों कि द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया हमें 528 मीटर स्क्वायर दिया गया है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज वन मोर देन इट्स ब्रेथ, यानी कि इस प्लॉट की जो लंबाई है उसके चौड़ाई के दोगुने से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, यानी कि अगर ऐसा कंडीशन दिया है तो हमें उस प्लॉट का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। साथ साथ इस सिचुएशन को हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण में भी व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉर्ट आउट करते हैं। मान लेते हैं कि यह एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ए बी सी डी है, ठीक है, जिसका लेंथ ए डी और बी सी है, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, तथा ब्रेथ ए बी और सी डी है, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार कहा जाता है कि इसकी जो लंबाई है उसकी चौड़ाई के दुगुने से एक ज़्यादा है, यानी अगर लंबाई L है तो ये बराबर हो जाएंगे, चौड़ाई के दुगुनी हो जाएगा 2b, उससे एक ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसमें प्लस 1 कर देंगे, यानी कि L इक्वल्स टू हो गया 2b प्लस 1। यहाँ से हमें लंबाई और चौड़ाई का रिलेशन मिल गया, जिसको हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन मिल गया कि L इक्वल्स टू 2b प्लस 1। अब दोस्तों दिया हुआ है कि एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी कि इस आयताकार प्लॉट का, आयताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि किसी आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो इक्वल्स टू होता है लंबाई इंटू चौड़ाई का, लंबाई गुने चौड़ाई का, यानी कि L इंटू बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 528। अब दोस्तों इक्वेशन 1 को आप देख सकते हैं जहाँ पे L इक्वल्स टू 2b प्लस 1 है, तो यहाँ से हम L का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो L का वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, L के जगह पे 2b प्लस 1 इंटू बी इक्वल्स टू 528, 528। अब यहाँ से b को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर प्लस बी इक्वल्स टू 528, और इसको जब हम 528 को LHS साइड में ले जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा 2b स्क्वायर प्लस बी माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब आप ये देख सकते हैं दोस्तों कि ये जो सिचुएशन, ये जो इक्वेशन आ गया हमारे पास, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल b है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, और ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में जो भी रहता है उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसे हम पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर में बताया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। अब आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से अगर इस इक्वेशन का तुलना करते हैं तो ए के जगह पे क्या हो गया दोस्तों, 2 हो जाएगा, बी के जगह पे क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, और सी के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस 528 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट सिद्ध हो गया कि यह हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब इससे इस इक्वेशन को हम फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो चूंकि यहाँ पे a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 1 है, और c का वैल्यू माइनस 528 है, तो हमें b के वैल्यू को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि a और c का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा जो कि आएगा माइनस 1056, तो b के वैल्यू को इस तरह से हमको फैक्टर में तोड़ना है कि वो माइनस 1056 के गुणनफल में आ जाए, और अगर हम उसका सम या एडिशन करें तो वो हमें 1 प्राप्त हो। तो जब आप 1056 का एलसीएम आप करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे दोस्तों, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसा दो तरह का संख्या आएगा, एक आएगा 33 और एक आएगा 32। तो 33 और 32 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 1056 मिलेगा, लेकिन अगर हम
33 में से 32 को माइनस करते हैं तो हमें 1 मिलेगा। यानी कि इस इक्वेशन को हम अगर इस तरह से लिखें कि 2b स्क्वायर प्लस 33b माइनस 32b माइनस 528 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ देख सकते हैं आप दोस्तों कि बीच वाला जो b का वैल्यू आ जाएगा वो 33b माइनस 32b करेंगे तो सिंपल b आ गया, लेकिन 33b और 32b माइनस 32b को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें माइनस 1056 का 1056 बी स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये हमारा एक बी का एक्सप्रेशन आ गया। अब हम दोस्तों यहाँ से बी को कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा LHS में कि 2b प्लस 33 माइनस, और इस वाले पार्ट से 32b माइनस 528 से हम 16 कॉमन लेते हैं तो आ जाएगा इधर भी 2b प्लस 33 इक्वल्स टू 0 जो कि RHS साइड में है। अब यहाँ से b माइनस 16 कॉमन आ गया और 2b प्लस 33 कॉमन आ गया इक्वल्स टू आ गया 0। अब ये जो दो फैक्टर आया दोस्तों कि b माइनस 16 इक्वल्स टू b माइनस 16 इंटू 2b प्लस 33 इक्वल्स टू 0, यहाँ से इधर हो जाएगा b माइनस 16 इक्वल टू 0, जहाँ से b का वैल्यू निकल जाएगा b इक्वल्स टू 16, और दूसरा से आ जाएगा 2b प्लस 33 इक्वल्स टू 0, जहाँ से b का वैल्यू आ जाएगा माइनस 33/2। अब b का वैल्यू हमें 2 मिल गया, चौड़ाई का वैल्यू 2 मिल गया, 16 और माइनस 33/2। तो चूंकि दोस्तों हमारा जो चौड़ाई है वो निगेटिव में नहीं हो सकता, ऋणात्मक संख्या नहीं हो सकता, तो b का जो वैल्यू यानी कि ब्रेड्थ चौड़ाई का जो वैल्यू होगा उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का वो हो जाएगा 16 जो कि मान्य होगा। अब आपको L यानी कि लेंथ निकालना है तो इक्वेशन 1 में अगर आप b का वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, L इक्वल्स टू 2b प्लस 1 है तो 2 इंटू 16 प्लस 1 यहाँ से आप निकालेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगा 33, यानी कि लंबाई इस प्लॉट की 33 हो गया और चौड़ाई इस प्लॉट का 16 हो गया। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के फॉर्म में निकालेंगे। अगर इसमें आपका कोई डाउट है दोस्तों तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।